हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द डिजाइनर गैलरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ सिंगल कलर का ये डिजाइन पैटर्न, जो देखने में देखिए फ्रेंड्स कितना प्यारा लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। इसे आप लेडीज कार्डिगन में, लेडीज स्वेटर में, जेंट्स स्वेटर में और बच्चों के लिए स्वेटर बना रहे हैं उसमें भी डाल सकते हैं, और अगर बेबी गर्ल के लिए आप फ्रॉक बनाना चाह रहे हैं तो उसके फ्रिल में इसे डाल सकते हैं। बहुत ही प्यारा उभर के आता है ये डिजाइन, और ये डिजाइन हर कलर के ऊन में परफेक्ट और बहुत ही सुंदर लगने वाला है अगर आप बना रहे हैं तो इसे बनाने के लिए फ्रेंड्स हमें 10 के मल्टीपल में फंदे चाहिए। तो यहाँ मैंने 10 के मल्टीपल में फंदे डाल रखे हैं और 2 फंदे जो हैं वो एज स्टिच के लिए ले रखे हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं ये डिजाइन पैटर्न। तो फर्स्ट रो राइट साइड देखिए फ्रेंड्स किस तरह से बनता है ये डिजाइन पैटर्न। एक फंदा हमने एज स्टिच उतार लेना है ऐसे, उसके बाद फंदा आगे करना है, एक फंदा उल्टा, फंदा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर से फंदा आगे, एक फंदा उल्टा, फिर से फंदा पीछे, एक फंदा सीधा, फंदा आगे, उसके बाद एक फंदा उल्टा, फंदा पीछे करेंगे, एक फंदा ऐसे यार्न ओवर करेंगे जाली के लिए और एक फंदा बिना बुने हुए उतारेंगे, दो फंदों का एक फंदा करेंगे ऐसे, जो उतारा हुआ फंदा है इसके ऊपर से स्लिप कर देंगे, फंदा आगे करेंगे और जाली डालते हुए एक फंदा उल्टा बनाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से लेके यहाँ तक का एक पैटर्न हो गया जिसमें हमने बुनाई करा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा मैंने एज स्टिच उतारा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, फिर से एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा। तो ये 5 फंदे जो है हमने एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा करके बनाया है, और जब हमारा उल्टा फंदा बना है तो यहाँ फिर दो फंदों को एक फंदा एक जाली डाले हैं और एक फंदा बिना बुने हुए उतारा और दो फंदों का एक फंदा करके जो उतारा हुआ फंदा था उसके ऊपर से स्लिप किया। फिर से हमने एक यहाँ पे एक जाली डाली है, एक फंदा उल्टा बनाया है, फिर से वही रिपीट स्टार्ट होगा, एक फंदा सीधा, फिर से एक फंदा उल्टा, फंदा पीछे, एक फंदा सीधा, फंदा आगे, एक फंदा उल्टा। ये हमारी डिजाइन का फर्स्ट रो है फ्रेंड्स। फंदा पीछे करेंगे, यहाँ पे एक जाली डालेंगे ऐसे घुमा के, एक फंदा हमने ऐसे उतार लेना है, बिना बुने हुए उतारना है, दो फंदों को एक साथ बुन लेंगे और उतारे हुए फंदे को इस फंदे पे स्लिप कर लेंगे, फंदा आगे करेंगे, फिर से यहाँ पे एक जाली डालेंगे, एक फंदा उल्टा, फिर से एक फंदा सीधा, फिर से फंदा आगे, एक फंदा उल्टा, फंदा पीछे, एक फंदा सीधा, फंदा आगे, एक फंदा उल्टा, फिर से वही रिपीट स्टार्ट करेंगे, एक जाली डालेंगे, एक फंदा बिना बुने हुए उतारेंगे, दो फंदों का एक फंदा करेंगे, उतारे हुए फंदे को इसके ऊपर से ऐसे स्लिप करेंगे, फिर से फंदा आगे करेंगे और यहाँ पे एक जाली डालते हुए एक फंदा उल्टा, फंदा पीछे, एक फंदा सीधा, फंदा आगे, एक फंदा उल्टा, फंदा पीछे, एक फंदा सीधा, फंदा आगे, एक फंदा उल्टा, फंदा पीछे करेंगे, फिर से यहाँ पे एक जाली डालेंगे, एक फंदा बिना बुने हुए उतारेंगे, दो फंदों का एक फंदा करेंगे, एक फंदा इसके ऊपर से स्लिप करेंगे, फिर से फंदा आगे करेंगे और यहाँ पे एक जाली डालेंगे, एक फंदा उल्टा, फंदा पीछे, एक फंदा सीधा, फंदा आगे, एक फंदा उल्टा, फंदा पीछे। देखिए ऐसे करके कंप्लीट करेंगे, लास्ट फंदा एज स्टिच है उसे सीधा बुन लेंगे। फ्रेंड्स रॉन्ग साइड की बुनाई हमें कैसे करनी है ध्यान दीजिए, रॉन्ग साइड की बुनाई हमें जो फंदे जैसे दिख रहे हैं वैसे करना है, एक फंदा उल्टा है और एक फंदा सीधा ही करना है। तो एज स्टिच को मैंने उतार लिया है, फंदा पीछे करना है क्योंकि यहाँ पे सीधी सिलाई दिख रही है, तो यहाँ पे एक फंदा सीधा, फंदा आगे, एक फंदा
उल्टा, उल्टे पे उल्टा और सीधे पे सीधा हम बनाएंगे। इस तरह से फ्रेंड्स जाली वाला फंदा भी वैसे ही बनाएंगे, उल्टा आएगा। देखिए इस तरह से हम सारे फंदों को बना लेंगे, एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा ही बनेगा सारा फंदा। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से बन करके तैयार होगा। बहुत इजी डिजाइन पैटर्न है फ्रेंड्स, अगर आप बनाना चाह रहे हैं तो इस डिजाइन को जरूर अप्लाई करें, बहुत आसान तरीके से बनने वाला डिजाइन पैटर्न है। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से रॉन्ग साइड की जितनी बुनाई आएगी फ्रेंड्स वो सारी की सारी ऐसे ही करनी है, एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा, वो भी सीधे के ऊपर सीधा बनाना है, उल्टे के ऊपर उल्टा बनाना है। अगर जाली वाला फंदे में आपको कंफ्यूजन हो रही है कि वो फंदा कैसे बनेगा, तो देखिए यहाँ पे जाली वाला फंदा है, यहाँ पे सीधा आया तो हम सीधा बनाएंगे और फंदा आगे करेंगे, यहाँ पे जाली वाला फंदा है तो यहाँ इसे हम उल्टा बना लेंगे, फिर से फंदा पीछे करेंगे, यहाँ पे एक फंदा सीधा बनाएंगे और फिर से फंदा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा बना लेंगे। देखिए इस तरह से बनाएंगे, इस तरह से एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा ही बनाएंगे। तो ये देखिए सेकेंड रो थी हमारी रॉन्ग साइड की जो कंप्लीट हो गई है। अब थर्ड रो बिल्कुल फर्स्ट रो के जैसे ही बनेगी। तो हमने एक फंदा उतार लिया, फंदा आगे किया, एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा, फंदा आगे एक फंदा उल्टा फंदा पीछे, एक फंदा सीधा फंदा आगे एक फंदा उल्टा। देखिए ये पांच फंदे हैं जिसे हमने एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा बनाया, फर्स्ट रो में भी हमने ऐसे ही बनाया था। तो यहाँ पे फंदा पीछे करेंगे और एक फंदा देखिए ऐसे करके यार्न ओवर करेंगे, जाली लेंगे और यहाँ पे एक फंदे को स्लिप करेंगे, दो फंदों का एक फंदा करेंगे और स्लिप किए हुए फंदे को इसके ऊपर से ऐसे स्लिप कर लेंगे। देखिए फिर से फंदा आगे करेंगे और यहाँ पे एक जाली डालते हुए फिर से हम यही रिपीट स्टार्ट करेंगे पांच फंदों के साथ, जिसमें हमने एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा बनाना है। देखिए हमने एक फंदा उल्टा बना लिया, एक फंदा सीधा, फिर से एक फंदा उल्टा फंदा पीछे, ये देखिए फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा। तो ये पांच फंदे हमारे यहाँ के हो गए। फंदा फिर से पीछे करेंगे, यहाँ पे एक जाली डालते हुए एक फंदे को उतार लेंगे बिना बुने हुए, दो फंदों का एक फंदा करेंगे, इसके ऊपर से स्लिप करेंगे, फिर से फंदा आगे ऐसे एक जाली डालेंगे, एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा, फंदा आगे एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा, फिर से फंदा पीछे करेंगे, यहाँ पे एक जाली डालेंगे। देखिए फंदे को उतारेंगे बिना बुने हुए उतारेंगे, बुनकर नहीं उतारेंगे, उसके बाद इसके ऊपर से इसे स्लिप कर लेंगे, फिर से फंदा आगे करेंगे जाली डालते हुए, वही फाइव फंदों के साथ हम रिपीट करेंगे, एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से एक फंदा उल्टा फंदा सीधा फिर से फंदा उल्टा, पांचवा फंदा जो है वो उल्टा बना, फंदा पीछे करके ये हमने जाली डाली, एक फंदा बिना बुने उतारेंगे और ऐसे करके। देखिए ये हमारी थर्ड रो है जो बन रही है, रो फर्स्ट के जैसे ही बन रही है, बहुत इजी डिजाइन पैटर्न है फ्रेंड्स। देखिए रो थर्ड भी हमारी कंप्लीट हो गई है। रो फोर्थ में हमने जैसे बताया है रो सेकंड के जैसे बनेगा, एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा, ऐसे ही पूरे फंदे को कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स फोर्थ रो कंप्लीट हो गई है, अब हम आ गए फिफ्थ रो में। फिफ्थ रो में हमें कैसे बनाना है ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, फिफ्थ रो भी हमें बिल्कुल फर्स्ट रो के जैसे बनानी है। तो एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा और फिर से एक फंदा उल्टा, फंदा पीछे करेंगे, एक जाली डालते हुए एक फंदा उतारेंगे और दो फंदा एक साथ बुन लेंगे और इस फंदे को इसके ऊपर से स्लिप कर लेंगे, फंदा आगे एक जाली डालेंगे, फिर से एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा, फिर से एक फंदा उल्टा
एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, फंदा पीछे करेंगे, यहाँ पे जाली डालेंगे, एक फंदा ऐसे उतार लेंगे बिना बुने हुए, और इन दोनों फंदों को एक साथ बुन के इस फंदे को इसके ऊपर से स्लिप कर लेंगे। फंदा आगे करेंगे, एक जाली डालेंगे, फिर से एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, फंदा आगे, एक फंदा उल्टा, फंदा पीछे करेंगे, यहाँ पे एक जाली डालेंगे, ऐसे उतार लेंगे, देखिए इस तरह से बनाएंगे। फिर से एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, फंदा पीछे करेंगे, एक फंदा ऐसे जाली डालेंगे, एक फंदा ऐसे स्लिप करेंगे, और यहाँ पे दो फंदों का एक फंदा करके स्लिप किए हुए फंदे को इसके ऊपर से स्लिप कर लेंगे। देखिए फिर से यहाँ पे जाली डालेंगे, वही रिपीट स्टार्ट करेंगे, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा। ये हमारी फिफ्थ रो थी जो कि कंप्लीट हो गई है। सिक्स्थ रो में रॉन्ग साइड में फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया था आपको कि एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा ही बनेगा। देखिए फ्रेंड्स, सिक्स रो बनाने के बाद हमारा जो डिजाइन पैटर्न है रिपीट एंड चेंज होगा, सेवेंथ रो से रिपीट एंड चेंज होगा डिजाइन पैटर्न। तो ये हमारी सिक्स रो चल रही है जिसमें हम बना रहे हैं एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, जो कि रॉन्ग साइड की बुनाई है। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारा डिजाइन है फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारा। आप इसे अपने स्वेटर में, कार्डिगन में एक बार अप्लाई तो करिए। देखिए बहुत ही प्यारा डिजाइन है, इसमें जाली भी बन रही है, और कार्डिगन काफी अच्छा लगता है अगर जाली पे होता है तो काफी अच्छा लगता है। कार्डिगन हो गया, लेडीजों के स्वेटर जो है वो जाली पे जो भी होते हैं वो काफी प्यारे लगते हैं। बेबी फ्रॉक के जो फ्रॉक की फ्रील होती है उसमें भी बनता है तो काफी अच्छा लगता है। देखिए ये सिक्स रो है जो कंप्लीट हो गई है। अब मैं सेवेंथ रो आपको बताती हूँ कि कैसे बनाना है सेवेंथ रो। देखिए यही सिक्स रो बार बार आपका रिपीट होगा, बट सिक्स रो जो है रिपीट, जब सेवेंथ रो में हम आएंगे तो वही रिपीट एंड चेंज होगा, बट डिजाइन एक ही के जैसा बनेगा। तो अब देखिए हमें ये डिजाइन अब यहाँ पे बनाना है, तो कैसे बनाना है वो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स। अब एक फंदा मैंने एज शेष उतारा, फंदा आगे किया, एक फंदा मैंने उल्टा बना लिया। देखिए अब उल्टा बनाने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमने यहाँ पे बनाया था, जिस तरह से हमने यहाँ पे जाली डाली थी, दो फंदा एक फंदा स्लिप किया था और दो फंदों का एक फंदा करके स्लिप किए गए फंदे को उसके ऊपर से स्लिप करा था, तो सेम एजिटेज वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई होगा। अब यहाँ पे वही हमें बनाना है, तो देखिए एक फंदा मैंने एजिटेज उतारा, एक फंदा मैंने उल्टा बनाया, फिर से मैंने यहाँ पे एक जाली डाल दी। देखिए यहाँ पे आपको सीधा सीधा फंदा दिखाई दे रहा होगा, इसे हमें स्लिप कर लेना है और इन दो फंदों को हमें एक साथ बुन लेना है ऐसे करके, और ये देखिए ऐसे करके स्लिप कर लेंगे, हो गया। फिर से फंदा आगे करेंगे, यहाँ पे एक जाली डालेंगे। अब देखिए इन यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच, पांच फंदे हो गए। अब जो हमने यहाँ पे बनाया था पांच फंदों का कि एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, सेम वही रिपीट हमें यहाँ पे करनी है, जिसमें हमने यहाँ पे जाली डालते हुए एक फंदा उल्टा, फंदा पीछे करके, एक फंदा सीधा, फंदा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा, फंदा पीछे, एक फंदा सीधा, फंदा आगे, एक फंदा उल्टा। तो देखिए हमने इस तरह से बना लिया, फिर से फंदा पीछे करेंगे और यहाँ पे देखिए ऐसे एक जाली डालेंगे, ऐसे एक फंदा स्लिप करेंगे और इन दोनों फंदों को एक साथ बुन के इस फंदे को इसके ऊपर से ऐसे स्लिप कर लेंगे। देखिए बहुत इजी है फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे एक फंदा उल्टा, फंदा पीछे, एक फंदा सीधा, फंदा उल्टा, सेम वैसे ही डिजाइन बन रही है फ्रेंड्स, बट इस पे जो जगह है वो
वो चेंज हो जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए, अब फिर से हमें वही रिपीट स्टार्ट करनी होगी। एक फंदा स्लिप करा और देखिए यहाँ पे जाली डालते हुए मैंने ये देखिए तीन फंदों का एक फंदा कर दिया और यहाँ पे जाली जो ये दो फंदे हो गए, यहाँ पे आगे करके यहाँ जाली डाली, तीन फंदे हमारे एडजस्ट हो गए। अब देखिए एक दो तीन चार पांच फंदा पे अच्छे करेंगे। फिर से यहाँ पे जाली डालते हुए एक फंदा स्लिप करेंगे और दो फंदों का एक फंदा कर लेंगे, स्लिप किए हुए फंदे को यहाँ देखिए, फिर से फंदा आगे करेंगे। आगे की तरफ से हम जाली डालेंगे और पांच फंदों को एक दो तीन चार पांच पांच फंदों को ऐसे बना लेंगे। फंदा पीछे करेंगे, यहाँ पे जाली डालते हुए एक फंदा स्लिप करेंगे और ऐसे करके देखिए रॉन्ग साइड की जितनी बुनाई आएगी फ्रेंड्स, सारी की सारी हमें एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा ही बनाना है। तो देखिए कितना प्यारा डिजाइन पैटर्न लग रहा है। देखिए फ्रेंड्स कितना प्यारा डिजाइन पैटर्न लग रहा है, अगर आप देख सकते हैं, देखिए बहुत ही प्यारा डिजाइन पैटर्न है। आप इसे एक बार अप्लाई तो करिए, देखिए कितना प्यारा लगता है आपका स्वेटर कार्डिगन जो भी बना रहे हो, काफ़ी प्यारा लगेगा। अगर आपको ये डिजाइन पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंडों में और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।